तो सी डी इक्वल टू ए बी हो गया। अब मुझे सी का ऑर्डर गिवन है 2/2, डी का ऑर्डर पता नहीं है, ए का ऑर्डर गिवन है 2/2 और बी का ऑर्डर भी 2/2, तो वैसे तो पता लग रहा है कि 2/2 आएगा, लेकिन आपको पता करना है कि इसका ऑर्डर क्या आएगा। तो कैसे देखते हैं, देखो सर ये 2 है तो यहाँ 2 आएगा, बोलो आएगा कि नहीं आएगा। यस सर आएगा। अब इसमें लास्ट वाला, तो इसका लास्ट वाला देखो भाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/2 आएगा, तो इसका लास्ट वाला बोलो क्या रहा है, 2/2 सबसे लास्ट में क्या रहा है, 2/2, तो ये भी डी का लास्ट वाला है तो 2/2 आएगा, तो डी का ऑर्डर भी 2/2 है। ये चीज समझ में आई क्या? यस सर। पीयूष बोल बेटा। हाँ सर आ गए। तो मैं डी 2/2 का मान लेता हूँ, लेट डी इक्वल टू एबीसीडी, ये 2/2 का एक मैट्रिक्स मान लिया, ये डी मैंने 2/2 का एक मैट्रिक्स सपोज कर लिया। अब मैं चालू कर रहा हूँ भाई, सी सी की वैल्यू ये 2, 5, 3, 8, डी की वैल्यू ये भी ए बी सी डी इक्वल टू ए बी, ए का वैल्यू ये रहा 2 - 1, 3, 4 और इसका वैल्यू है 5, 2, 7, ये सी डी माइनस ए बी इक्वल टू 0। अब बेटा चलो भाई पीयूष से स्टार्ट करते हैं, पीयूष फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बोलो मल्टीप्लाई करना है सर। 2 है, हाँ 5 बी, 5 सी, प्लस 5 सी, प्लस 5 सी, यस सर। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 बी प्लस 5 डी प्लस 5 डी, फिर वापस से बोलो पीयूष बोलो सर। 3 है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3a + 8c, 3a + 8c, एस भी बोल रहा बेटा, लास्ट वाला क्या आएगा 3b + 8d। चलिए कनेक्ट, पहला वाला एलिमेंट बोलो इधर का राइट हैंड साइड का सर, 10 - 7 तो 3 आ गया। पीयूष हाँ। बोलो बेटा सर 4, हाँ 4 - 4 0 0 हो गया, वेरी गुड। एस बोल रहा बेटा बोल, 15 + 28 हो गया 43 है ना। चलिए लास्ट पीस बोल सर 16, 6 + 16 कितना हो गया 6 + 16, 22। तो इस तरह से हमने सबको मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ पर लिख दिया, ये तो पहला स्टेप है। अब कंपेयर करते चलो भाई, 2a + 5c = 3, तो बेटा मैं इसको ऐसे लिखूंगा 2a + 5c - 3 = 0 और 3a + 8c - 43 = 0। तो मैंने बोला था कि हमेशा हम ये वाला मेथड यूज करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, हम हमेशा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करेंगे, a = -c = 1/2। अब देखो a अपॉन की बात कर रहे हैं तो 43 को -43 को 5 से मल्टीप्लाई करो, a को तो छुपा लो, 5 - -43 करना बेटा -250, ये आ रहा -24, तो माइनस का प्लस क्योंकि यहाँ साइन चेंज होगा। ये समझ में आया क्या है? यस सर। यस सर। ये इससे मल्टीप्लाई माइनस ये इससे मल्टीप्लाई, पीयूष सी माइनस सी के अपॉन वाला बता, सी मतलब इसको छुपा लो, करो मल्टीप्लाई कर बेटा। सर एक बार वापस बता दो मेरा लॉग आउट हो गया। देखना इधर, ऐसा करते हैं, ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई, ये हमारी दूसरी इक्वेशन आ गई, a अपॉन माइनस c अपॉन 1 अपॉन, ये लिख लेंगे हम।
और देखो ए की वैल्यू निकालनी तो ए को छुपा ले बेटा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर, कितना आ रहा कर बेटा 215 माइनस का 215 आ रहा कि नहीं आ रहा? यस सर। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर कितना आ रहा? माइनस 24। तो माइनस का ये प्लस, यहाँ प्लस हो गया क्योंकि माइनस बीच का साइन आता है। क्लियर? हाँ सर। अब सी के लिए निकालने तो सी को छुपा ले, कर मल्टीप्लाई। कितना हुआ? 86 सर। 86 पेरेंट्स बोल कितना हुआ बेटा? माइनस 86। माइनस 86। अब ये कितना हुआ? प्लस 9। प्लस 9 आएगा यहाँ पर, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। चलो 1/1 मतलब इसको छुपा लो। पीयूष बोलना इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सर। 16 और माइनस 4 मिलेगा माइनस 15। ये तो प्लस 15 आ रहा है लेकिन बीच में उल्टा होगा ना बेटा, माइनस आया कि नहीं समझ में? यस सर। देखो इससे कितनी जल्दी वैल्यू निकल गया मेरे हिसाब से, ये माइनस 191 आ रहा है, ये माइनस 77 आ रहा है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ए की वैल्यू दिस अपॉन दिस माइनस 191 और सी की वैल्यू 77, ये हमारी ए और सी की वैल्यू होगी। इसमें कोई डाउट? नो सर। अब मैं बी और डी की वैल्यू की बात करता हूँ। 2b plus 5d minus 0 equal to 0, या minus 0 लिख लो plus 0 लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता, और 3b plus 8d minus 22 equal to 0। पीयूष b की तो ये हो गया b upon minus d upon 1 upon, चलो b की वैल्यू बोल बेटा पीयूष, b upon में क्या आएगा ध्यान से कर मल्टीप्लाई, बोल बेटा बोल। अरे बी की वैल्यू निकालनी तो बी को छुपा ले, बाकी बोल। 16 कहां से आ गया बेटा? मैंने बोला बी की वैल्यू निकालनी है तो बेटा बी को छुपाना है, इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसको नहीं देखेंगे सिर्फ इनको देखेंगे, बोल अब। बोल बेटा ट्राई 110 का आएगा, प्लस का माइनस का 110 बेटा, माइनस का 110। हां सर माइनस का, माइनस का 110 और ये तो जीरो आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चल कनेक्ट बोल माइनस डी अपॉन सर माइनस 44 ठीक है, वो तो जीरो आएगा। अब बाकी देखो सर 16 माइनस 15 तो b का वैल्यू माइनस 110, ये d अपॉन 44 हो गया, तो माइनस 110 और d का वैल्यू 44, तो हमारा मैट्रिक्स d आ गया। क्या था मैट्रिक्स d? a b c d, a का वैल्यू हमारा आ रहा है माइनस 191, b का वैल्यू आ रहा है माइनस 110, c का वैल्यू 77 44, दिस इज द फाइनल आंसर, कि हमारा d का वैल्यू फाइनल आंसर आ गया। ऐसे निकालेंगे बेटा, आया क्या? यस सर। सबको क्लियर है? मल्टीप्लिकेशन तो दिक्कत ही नहीं, ये इक्वेशन सोल्व करना वाला तो हो जाएगा अभी धीरे धीरे, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। चलिए अगला देखो, एक और प्रॉब्लम देखो। x 1 2 3 4 5 6 equal to minus 7 minus 8 minus 9 or 2 4 6, find matrix x।
फाइंड मैट्रिक्स एक्स, और मैं मैट्रिक्स एक्स की हम ठीक। अब देखो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि x का ऑर्डर क्या निकालना है। देखो ये x है, ये 1 2 3 है, और ये -7 -8 -9 2 4 6। इसका ऑर्डर मुझे पता नहीं है, इसका ऑर्डर कितना है बेटा, इसका ऑर्डर 2/3, और इसका ऑर्डर भी 2/3। अब ध्यान से समझना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये 2 है तो यहाँ 2 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा बोलो। ये 2 है तो यहाँ पर 2 आएगा कि नहीं आएगा, दोनों सेम होते हैं ना। और अब स्टार्टिंग वाले की वैल्यू की बात कर रहे थे, स्टार्टिंग क्या ऐसे हो रही है, इधर इधर स्टार्टिंग किससे हो रही है, 2 से, तो यहाँ पर 2 आ रहा है। दोबारा समझा रहा हूं, 2/3 पहला मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय दूसरा मैट्रिक्स। अब इसका हमें ऑर्डर निकालना है, तो ये 2 है, ये नंबर ऑफ रो है सेकंड मैट्रिक्स की, तो इसकी नंबर ऑफ कॉलम इक्वल आनी चाहिए तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा। तो पहली चीज तो 2 आ गई, इसकी नंबर ऑफ कॉलम 2 होगी, इसमें कोई दिक्कत? नो सर। पीयूष बोल बेटा। नो सर। अब इसमें स्टार्टिंग वाले मैट्रिक्स की बात कर रहा, तो स्टार्टिंग किससे हो रही है, इधर 2 से, राइट साइड में 2 से, तो यार 2 है। अब इसको सोल्व करके भी देख लो, देखो 2 से 2 कैंसिल, 2/3, इधर भी 2/3 आ रहा है कि नहीं आ रहा, 2/3 दोनों तरफ। हाँ, इस तरह से मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं। अब देखो मैं मैट्रिक्स एक्स ले लेता हूं, ए बी सी डी ई एफ, ये मैट्रिक्स सर 2/2 है। अच्छा 2/2 है, सॉरी भूल गया, ये मैट्रिक्स एक्स है 2/2। अब मल्टीप्लाई कर दो, 2/2 का ए बी सी डी, इधर आ गया 1 2 3 4 5 6, इधर आ गया -7 -8 -9 और 2 4 6। नाउ करना भाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है, यू से स्टार्ट करते हैं, बोल बेटा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बोल। A प्लस 4B, A प्लस 4B, कनिष्ठ बोल फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2A प्लस 5B, 2A प्लस 5B, SV फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 3A प्लस 6B, 3A प्लस 6B, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम पीयूष, C प्लस 4D, कनिष्ठ सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2C प्लस 5D, और लास्ट SV बोल दो बेटा, 3C प्लस 6D। अब ये इक्वल है हमारा -7 -8 -9 और 2 4 6, इसके इक्वल है। अब हम इक्वेट करेंगे, तो पहली वैल्यू A प्लस 4B किसके इक्वल है, -7 -7, तो ये पहली इक्वेशन आ गई, a plus 4b plus 7 equal to 0। फिर 2a plus 5b किसके इक्वल है, -8, तो दूसरी इक्वेशन आ गई 2a plus 5b plus 8 equal to 0। ये दो इक्वेशन लिखने में किसी को दिक्कत आया? नो सर। नाउ a upon minus b upon 1 upon, यूज a upon में क्या आएगा 32, हाँ 35, -35, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। अनेस माइनस बी अपॉन में क्या आएगा सर, 8 -14, ठीक है। एसवी 1 अपॉन में क्या आएगा, 5 -8, वेरी गुड। तो ए अपॉन -3 आ गया,
माइनस बी अपॉन माइनस सिक्स आ गया, वन अपॉन माइनस थ्री आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल। अब देखो ए की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस थ्री डिवाइड बाय माइनस थ्री कितना हो गया वन, वन। और बी की वैल्यू निकालेंगे तो सिक्स डिवाइड बाय माइनस थ्री कितना हो गया माइनस टू, माइनस टू। ए और बी की वैल्यू आ गई आपकी, इसमें कोई डाउट? नो सर। अब देखो सर सी प्लस फोर डी माइनस टू इक्वल टू जीरो और 2c plus 5d minus 4 equal to 0. तो c upon minus d upon 1 upon c upon minus d upon 1 upon बोलो c upon use बोल सर 16 plus 10 बेटा 16 नहीं है minus 16 है बेटा हाँ minus 16 plus 10 बिल्कुल सही कनेक्स बोल बेटा माइनस फोर प्लस फोर माइनस फोर प्लस फोर ये तो वही आएगा फाइव माइनस तो सी का वैल्यू माइनस सिक्स आ गया बी का वैल्यू जीरो आ गया तो सी का वैल्यू आ गया माइनस सिक्स डिवाइड बाय माइनस थ्री टू और डी का वैल्यू जीरो तो हमारा मैट्रिक्स एक्स हो गया ए बी सी वन माइनस टू टू जीरो आया समझ में यस सर ये हमारा मैट्रिक्स एक्स हो गया इस तरह से हम इसका मैट्रिक्स एक्स निकालेंगे क्लियर है यस सर अभी एक और इसी टाइप की प्रॉब्लम बता रहा हूं जो कि आपके आ चुकी है फाइंड मैट्रिक्स ए सच दैट टू माइनस वन वन जीरो माइनस थ्री फोर मल्टीप्लाइड बाय ए इक्वल टू माइनस वन माइनस ए वन माइनस टू नाइन ट्वेंटी टू हमें यहाँ पर मैट्रिक्स ए निकालना है। वी हैव टू फाइंड द मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए निकालना है तो ये समझो भाई ऑर्डर देख लेते हैं। इसका ऑर्डर कितना है? थ्री इंटू टू। थ्री इंटू टू। इसका ऑर्डर मुझे नहीं पता। और इसका ऑर्डर भी थ्री इंटू टू। बेटा ये टू है। फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम टू है तो बेटा ए का नंबर ऑफ रो कितना होगा टू टू तो यहाँ पर टू आ गया सबको समझ में आ रहा है अब ये मैट्रिक्स ए लास्ट में है तो लास्ट का वैल्यू क्या है टू तो ए का ऑर्डर आ गया हमारा टू बाई ऑर्डर है इज टू बाई टू समझ में आया क्या यस सर Yes, sir. वो आ गया ना अब ए ऑर्डर मान लिया आपने लेट ए ए बी सी डी आ गया टू माइनस वन वन जीरो माइनस थ्री फोर ए बी सी डी इजिकल टू वन माइनस वन माइनस एट नाइन ट्वेंटी टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करो मल्टीप्लाई कनेक्ट बोल फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम टू ए माइनस सी सी यूज बोल सर माइनस ए प्लस फोर बी क्या कर रहा है क्या कर रहा है बेटा कौन सी रो कौन सी कॉलम की बात कर रहा हूँ मेरे को तो ये वाला चाहिए ना अच्छा हाँ माइनस सी प्लस फोर डी गलत बोल रहा है गलत बोल रहा है क्या कर रहा है बेटा सर टू बी माइनस थ्री बी टू बी हाँ ध्यान चला गया एसवी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम
ए बस ए ही आएगा। कन्हैया सेकंड रो सेकंड कॉलम सर बी बी आएगा। क्यूज थर्ड रो फर्स्ट कॉलम सर माइनस थ्री ए माइनस थ्री ए फोर सी प्लस फोर सी और लास्ट वाला भी लिख देता हूँ माइनस थ्री बी प्लस फोर बी। अब ये यहाँ पर आपको इक्वेशन सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है डायरेक्ट आ जाएगा ये। क्यों डायरेक्ट आ जाएगा देखो डायरेक्ट ए का वैल्यू किसके इक्वल है वन के बी का वैल्यू किसके इक्वल है माइनस टू के। अच्छा टू ए माइनस सी माइनस वन के इक्वल है ए का वैल्यू वन आ गया तुम्हारे पास तो सी का वैल्यू टू प्लस वन थ्री हो गया फिर टू बी माइनस डी आपका आ गया माइनस एट बी का वैल्यू माइनस टू आ गया तो डी का वैल्यू हो गया माइनस फोर प्लस एट इक्वल टू फोर तो देयरफॉर मैट्रिक्स एक्स आ गया हमारा वन माइनस टू थ्री फोर। क्लियर है? यस सर। ये मैट्रिक्स है आ गया वन माइनस टू थ्री फोर दिस इज मैट्रिक्स। क्लियर? यस सर। यस सर। तो ये तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉब्लम्स थी बेटा जो इस तरह से हो। अब इसमें कुछ डिफरेंट प्रॉब्लम भी है वो देख लो। तो आज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ही करेंगे क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यदि आपको आ गया तो सब आ गया ये दिक्कत नहीं है फिर किसी भी प्रॉब्लम तो मैट्रिक्स में दिक्कत थी तो ये मान लो। अब एक इस तरह की प्रॉब्लम भी पूछी जाती है फे इक्वल टू थ्री माइनस फाइव माइनस फोर टू हमें ये प्रूव करना है ये हमें प्रूव करना है ए स्क्वायर माइनस फोर्टी फाइव ए माइनस फोर्टी नाइन इक्वल टू जी। सबसे पहले हमें ए स्क्वायर की बात करते हैं। ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए को ए से मल्टीप्लाई करना नहीं इसका स्क्वायर कर दिया ए को ए से मल्टीप्लाई करना। चलिए स्टार्ट करो फर्स्ट एलिमेंट बोलो भाई यूज से स्टार्ट करो बोलो बेटा नाइन प्लस ट्वेल्व। अरे यार तू कहाँ चल जाता है बेटा क्यों भूल जाता बार बार बेटा दोबारा बोलो। नाइन प्लस सिक्सटीन नाइन प्लस ट्वेंटी बोलने दो कोई नहीं बोलेगा। यूज क्या कर रहा है बेटा है सर नाइन प्लस ट्वेंटी नाइन प्लस ट्वेंटी फिर कैसे कैसे गड़बड़ हो रहा है। चल दूसरा बोल चल तू ही बोल दूसरा ये वाला एलिमेंट फिफ्टीन फिफ्टीन का आंसर दिया फिफ्टीन आएगा माइनस फिफ्टीन आएगा हाँ माइनस फिफ्टीन हाँ सॉरी माइनस फिफ्टीन माइनस टेन ठीक है बेटा पहले वाली की रो लेते हैं दूसरे वाली की कॉलम लेते हैं बस ये याद रखो बस तुम ये कनेक्ट बोल माइनस ट्वेल्व माइनस एट माइनस ट्वेल्व माइनस एट। चल पीयूष तू ही बोल लास्ट वाला सर माइनस ट्वेंटी प्लस फोर माइनस ट्वेंटी कहाँ आ गया बेटा क्या कर रहा है तू तो 20 प्लस 20 आएगा ना बेटा माइनस 20 क्यों आएगा
हाँ हाँ सर माइनस वन ट्वेंटी प्लस फोर हाँ बेटा ये माइनस प्लस की तो गलती बहुत बड़ी गलती है आपने एक माइनस माइनस ट्वेंटी लिख दिया जिसमें पूरा क्वेश्चन गलत है आगे कुछ भी नहीं कर सकते आप इसको तो ये आ गया हमारा 29 माइनस 25 माइनस 20 24 अब मेरे को निकालना 5a 5a का मतलब है इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो 15 माइनस 25 माइनस 20 10 14i i का मतलब होता है बेटा जैसे 14i i का मतलब 1001 क्योंकि ये 2 into 2 है इसलिए i2 ये समझना है 49 का मतलब बेटा ये 49 का मतलब समझ में आया यस सर ऊपर 2 into 2 है इसलिए i2 14i2 अब हमको जो लिखा हुआ है उसमें लिख दो a स्क्वायर माइनस 5a माइनस 14i इक्वल टू जी ए स्क्वायर माइनस 5a 5a योर 15 ये LHS कर रहे हैं माइनस 49 अब देखो 29 माइनस 15 माइनस 14 माइनस 25 प्लस 25 माइनस 0 फिर माइनस 20 प्लस 20 माइनस 0 24 माइनस 10 माइनस 14 हम देख रहे हैं कि क्या आ रहा है बेटा सारी वैल्यू किसकी इक्वल आ रही है जीरो की इक्वल आ रही है हेंस प्रूफ ये हमारा प्रूफ हो गया कि भाई ये इसकी इक्वल क्लियर है यस सर चलिए नेक्स्ट हमें लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालनी है और इस तरह से निकालनी है हमें ए स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा ए प्लस म्यू आई उसके इक्वल गिवन है ए स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा ए प्लस म्यू आई अब देखो दो तो सबसे पहले ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा भैया 2312 मल्टीप्लाइड बाय 2312 चलिए कनिष्क बताइए पहला लिखो सर 4 प्लस 3 7 ठीक है पीयूष बोल सेकंड एलिमेंट सर 6 प्लस 6 12 एसवी ये वाला 4 पीयूष लास्ट एलिमेंट 7 ठीक है लैम्डा ए की वैल्यू निकाल दी लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो ए को 2 लैम्डा 3 लैम्डा लैम्डा 2 लैम्डा फिर म्यू आई की वैल्यू निकाल दी म्यू आई मैंने बताया था कि 2 * 2 है तो 1001 तो ये आ गया म्यू 00 Now a square equal to lambda a plus mu a. A square की वैल्यू 7 12 4 7 lambda a आ गया आपका 2 lambda 3 lambda lambda 2 lambda plus mu i आ गया mu 0 0 mu. तो ये आ गया 7 12 4 7
टू लैम्डा प्लस म्यू, थ्री लैम्डा, लैम्डा टू लैम्डा प्लस म्यू। कंपेयर करो भाई, थ्री लैम्डा है आपका फोर ट्वेल्व, लैम्डा आपका फोर आगे डायरेक्ट, और टू लैम्डा प्लस म्यू सेवन, तो म्यू का वैल्यू हमारा माइनस वन। So what is the value of lambda and mu? Lambda minus equal to 4. Seven. ठीक है, mu और minus one. Lambda की value 4 आ गई और mu की value minus one. इस तरह से हम इसकी value find out करेंगे. Clear है ये? Yes sir. Yes sir. अब आज बेटा पीयूष तेरे को 1 बजे वाली क्लास में भी आना है. हाँ, पीयूष नहीं है कनिष्क को। यस सर। और क्योंकि दिवाली तक ये चला लेते हैं तीन क्लास, फिर अनंत तीन क्लास तो खैर ज्यादा हो जाती है, तो फिर अपन उसको दो क्लास कर देंगे, ठीक है ना? सर मेरी भी दो हो जाएगी ना फिर। किसकी? पीयूष में। तेरी भी दो, तो सबकी दो होगी। हाँ सर ठीक। ठीक है ना, अब तीन तो यार वैसे ज्यादा पढ़ लेती है, और तुम चाहो तो, लेकिन ये मैट्रिक्स चल रहा है तो फिर उधर इंटीग्रेशन तेरे को तो कनिष्ठ तेरे को तो करनी पड़ेगी अटेंड, उसका भी मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि अब मैट्रिक्स चल रहा है तो मैट्रिक्स को अपन रोक नहीं सकते, और तू बोले तो रोक दे जैसे तू बोले कि चलना दे, तेरे को दिक्कत तो नहीं आ रही कुछ? नहीं सर, मैंने ऑडिशन पर रखी है। कर रखी है? हाँ। तो मतलब मैं पढ़ाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी ना मैट्रिक्स? नहीं आएगी सर। चलो बढ़िया, फिर तो चलने दो फिर, ठीक है ना? तो अभी दिवाली तक तो चलने दो, दिवाली के बाद दो कर देंगे। चलो अब अपन 11 बजे इंटीग्रेशन में मिलते हैं। इंटीग्रेशन की क्लास ढंग से अटेंड करना, बस वही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है?